रविवार को पटना के गांधी मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन में भीड़ न जुटने को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी के साथ साथ बिहार में सियासी भूचाल भी आ गया है। एनडीए के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे को आड़े हाथ लेते हुए आपात बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली में आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मंथन किया जाएगा, हालांकि इसमें कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। वहीं विपक्ष को तो सोने पर सुहागा जैसा मुद्दा हाथ लग गया है। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने भीड़ को सुपर फ्लॉप शो करार देते हुए कहा कि आवाम चाहता है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो, अब तेजस्वी आने वाला है। सबसे बड़ी चीज है कि रैली का नाम रैली था ही नहीं, एक कार्यकर्ता सम्मेलन का भी स्वरूप नहीं था, और एक छोटा पार्टी का भी जब रैली होता है इससे बड़ी और दुगना तिगना रैली होता है। और ये दिखाना चाहते थे बीजेपी को कि हम ताकतवर वाली पार्टी, हमारे पास जमात है। इनकी जमात का हवा निकल गया और बिहार की जनता, हम आवाम की आवाज आ गई कि नीतीश कुमार गद्दी खाली करो कि तेजस्वी यादव आ रहा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर जेडीयू के बचाव में नजर आई और कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन था, न कि रैली। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, देश के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के भी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार कहा है, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिहार में एनडीए जो है मिलकर एकजुट होकर आगामी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और जो धरातल पर स्थिति है, आम जनता जो है एनडीए के साथ है। कल की जो आप बात कर रहे हैं, तो उसका प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, अलग अलग राजनीतिक दल का अलग अलग कार्यक्रम चलता है और उनका कार्यकर्ता सम्मेलन था। विशेष रूप से जनता दल के नेता है वही बता पाएंगे, भीड़ नहीं बुलाई गई थी, आम जनता की भीड़ नहीं बुलाई गई, जो उनके प्रमुख कार्यकर्ता है उनको बुलाया गया था। तो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और आम रैली, उसमें बहुत अंतर है, लेकिन विशेषकर वो जनता दल यू का कार्यक्रम था, एक राजनीतिक दल का, तो विशेषकर उनके कार्यक्रम के बारे में जनता दल यू के नेता बताते। तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी खुशफहमी में 2010 में हम लोगों ने साथ में सामूहिक एनडीए सरकार ने चुनाव लड़ा था। 22 सीट राष्ट्रीय जनता दल को आई थी और उसमें रामविलास जी हम लोग के साथ नहीं थे। अब तो रामविलास जी भी हम लोग के साथ है और डबल भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी भी इतना सारा बिहार में काम कर रहे हैं, इसलिए आम जनता जो है एनडीए के साथ। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत फोकस।